और पेट्री पास, पेट्री पास है। हाँ या हाँ ये आन में चक्की है आन के पाचेस में वन साइड मुंडो है। वो किचन में मामा लगे तो तो मारा आईडिया आगा तो फोन कर। एक काम करो हाँ, आप आन पे खड़ा भाई सर। हाँ ऊपर ऊपर ही आप आन पे खड़ा भाई आपने डर लगा नहीं ऊपर ऊपर ही रहो। वो पाचे तो रही हो ऊपर तो अकेले वो कर रही हो कितनी सही रही मारो ऊपर आवे करे टेडिया कहीं सही वही बैठ जा जो कि प्रतापगढ़ से 15 किलोमीटर दूर है और क्या नाम आपका प्रिंस पाटीदार दशरथ जी पाटीदार नाथुराजी पाटीदार इनके यहाँ पर आए हैं दोस्तों। आप देख सकते हो ये एक चक्की का जो मतलब कोई बॉक्स बना रखा था उसके पीछे बैठा था ये। और दोस्तों इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेड स्नेक और हिंदी में बोलते हैं इसको दामन सांप घोड़ा बचाड़ और बहुत ही भागने वाला सांप है दोस्तों। इसको चूहे पसंद है और ये बहुत फुकार मारा यानी कि ये घुसेल में यानी कि उसने कुछ खा रखा है निकल रखा है इसकी वजह से ये मतलब काटने के चक्कर में ये। और दोस्तों इसकी जो हाइट होगी लगभग लगभग 6-7 फीट के लगभग है। और दोस्तों इसके अंदर कोई जहर नहीं होता है ये नॉन वेनमस है बिना जहर वाला सांप है। और ये चूहे बहुत पसंद है इसको। इसके अलावा इसके मुंह के अंदर क्या बैक्टीरिया रहता है तो ये चूहे है मेंढक है छोटे छोटे कीटों को खाता है। और दोस्तों ये हमारे किसानों के पास रहना चाहिए किसानों के लिए मित्र है क्योंकि अगर ये किसानों के पास रहेगा कम से कम हमारे खेतों की जो पैदावार है वो 30% तक बढ़ जाती है। दोस्तों ये भी प्रकृति का हिस्सा है प्रकृति में रहना चाहिए दोस्तों। और इसकी जो उम्र होगी तकरीबन अभी 10-12 साल है और इसको साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं पित्यास मकोसा। और बिना गलती कोई जीव नहीं काटता है अगर हम उसको गलत तरीके से पकड़ते हैं या उसके ऊपर दबाव बनाते हैं या फिर वो भूखा होता है या क्रोध में होता है तब जाके बाइट करता है। दोस्तों इसने भी कुछ निकल लगा इसकी वजह से ये अटैक की मुद्रा में है। और दोस्तों वैसे तो ये काटता नहीं लेकिन ये इसे गले के यहाँ रह गया था इसका निकल लगा जो वैसे ये काटता नहीं लेकिन अगर इसको डर महसूस होता है खतरा महसूस होता है तब जाके बोर्ड से बाइट करता है और आंखों के ऊपर बाइट करता है ताकि सामने वाले को अंधा बना के भाग जाए। और इसी के साथ आप सबका धन्यवाद है आपको भी ले लो आप सबका धन्यवाद है कि आपने इसको मारा नहीं बेजुबान जानवर को और आपने बचा लिया इसकी जान बचाई इसके लिए आपको धन्यवाद है। और इसी के साथ इसको हम रेस्क्यू कर लिए हैं और इसके अनुकूल वातावरण में जाकर रिलीज कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों। जब भी कोई ऐसा सांप आपको काटे तो आपको जिला अस्पताल जाना चाहिए। जिला अस्पताल जाते ही आपकी जान बच सकती है और अन्यथा कहीं झाड़ फूँक के चक्कर में ना रहे या फिर किसी तांत्रिकों के चक्कर में ना रहे दोस्तों क्योंकि वो ऐसे जो नॉन वेनमस सांप होते हैं जैसे जल डोड़ा हुआ जिसको वाटर स्नेक बोलते हैं रेड स्नेक हुआ ये दूसरे अपने जो ट्रिंकेट स्नेक वगैरह है ग्रास स्नेक या ऐसे जो भी मतलब जो नॉन वेनमस वाले सांप है या सेमी वेनमस वाले उनमें क्या करते हो काढ़ा वाला पिला देते हैं और बोल देते हैं कि हमने इसकी जान बचाई तो लोगों को अंधविश्वास हो जाता है और वो उसी चक्कर में रहते हैं। और जब भी कोई इनको जहरीला सर्प डंस होता है तो उसके बाद में क्या होता है कि उनकी जान जाना निश्चित रहती है क्योंकि उसमें कोई काला काम नहीं करता है। इसीलिए आप सबसे अनुरोध है
कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही जाए। दूसरी बात यह है दोस्तों कि सांप भी प्रकृति में रहने चाहिए, उनको भी रहने का अधिकार है, उनको भी रहना चाहिए, तो उन्हें मारे नहीं। और YouTube पे हमारा एक चैनल है दोस्तों, प्रीति स्नैक सेवर, आप अगर पहली बार है तो उसको आप सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, लाइक करें, और दोस्तों अधिक से अधिक अपने वालों को शेयर करें ताकि लोगों को सांपों के बारे में जुड़ी जानकारी मिले और उनकी जान बच सके। इसी के साथ वीडियो के साथ बने रहिए, आपको बताते हैं आगे क्या हुआ। दोस्तों अभी असाता से क्रेडिट कार्ड को रिस्टोर कराए, देख सकते हैं।